Shiva, 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 Sada, Jaya, Todalirva Gandu Shiva, Naya, Haya, Padalirva. यार इतिहास का मर्डर हो गया है। ये कब हुआ? ये कैसे हो गया? किधर? The subscriber you're trying to call is currently not reachable. The subscriber you're trying to call. सर मैं महेश बोल रहा हूँ। सर प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं वापस नहीं बोलूंगा ये। सर प्लीज सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल करवा दीजिए। ओके सर, श्योर सर, जय हिंद सर। सर आप ये देखेंगे या फिर मैं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दूं? भेज दो, भेज दो। ओके सर, चलो बॉडी को शिफ्ट करते हैं। सर क्या लेंगे आप? एक क्वार्टर, हाँ? एक पानी की बोतल, हाँ? एक हाफ फ्राई, हाँ? और एक मस्त बिरयानी। ओके सर। ए भाई इधर आ। हाँ सर। बिल कितना हुआ? 560 रुपए सर। ठीक है, बिल मैं अभी पहले ही पे कर दूंगा। यस सर। पीने के बाद मुझे ध्यान नहीं रहता। समझ गया सर। एक हाफ बॉयलर है सर। टिब्बी चाहिए क्या? सर वो मैंने 600 रुपए भेजे हैं, 40 रुपए तेरे हुए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर सर इन्फॉर्मेशन पक्की है, हैकर यहीं पे है। सर आप यहाँ कैसे? मैंने सुना यहाँ की शराब बहुत मस्त है, बस वही चखने आया हूँ। सर आप यहाँ बैठ जाइए। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? तू दिन भर दिन सरदर्द बनते जा रहा है। चल भाई आज बहुत हुआ, अब घर चलते हैं। कितना हुआ छोटे? 2000 रुपए सर। क्या अभी देता हूँ, बस कैश निकल जाए। ए, नहीं नहीं इस बार मैं दूंगा। रुक तू। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हर बार तू क्यों देता है? खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है क्या? अरे कार्ड काम नहीं कर रहा, तू दे दे। सर और भी कस्टमर को देखना है, जल्दी पे कीजिए। अरे तू रुक ना यार, मैं दे रहा हूँ ना यार। अरे नहीं यार, तू यार हर बार तू क्यों देता है? रुक ना, मैं दे रहा हूँ। रुक भाई रुक। अबे हर बार तू क्यों देगा रे? नहीं।
कितना कलेक्शन हुआ आज? तुमने केस कैसे सॉल्व किया? सर, हमने साउथ जोन के बार के सारे ओनर्स के मोबाइल नंबर को ट्रैक किया, उसके लिए जाल बिछाया। ओके। सर, हैकर्स बार में जाते ही डिजिटली पेमेंट कर देता था। उसके जरिए वो बार के ओनर्स के मोबाइल को कंट्रोल करता था। आई सी। ओनर के फोन में जो भी नोटिफिकेशन आती थी हैकर वो रीड कर सकता था। ओनर का मोबाइल हैकर के कंट्रोल में रहता था अगले एक घंटे तक। सर, कोई भी पेमेंट डायरेक्टली हैकर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती थी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमने बड़े ही आसानी से उसे पकड़ लिया सर। हैकर की लोकेशन और टावर की लोकेशन सेम दिख रही थी, इसलिए उसे ट्रैक करना बहुत आसान था सर। वेरी पॉजिटिव विजय, वेरी गुड। सर, अपार्टमेंट से सारे एविडेंस अभी तक कलेक्ट नहीं किए सर। तो फिर चलो। ओ काशी सर, कैबिन में आओ जल्दी। सर, यस सर। सर, बॉस बुला रहे हैं। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ सर? एक केस भी हैंडल नहीं कर सकते तुम लोग। सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो अपार्टमेंट वाले केस की बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी का भाई या तुम्हारे अंकल का बेटा या फिर नेता, सेलिब्रिटीज या हायर अथॉरिटीज से प्रेशर होता तो तुम अपना काम सही करते ना। तुमने इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है सर। मुझे नहीं लगता, मुझ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने तुम्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया है, तुम जा सकते हो। सर, मैं ये केस किसी और को दे रहा हूं। ओके सर। अरे काशी सर, तुम यही रुको। ओके सर। आर यू ओके? ओके सर। सर, केस के बारे में सारी डिटेल्स एंड सस्पेक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है सर। इतिहास इतिहास की हिस्ट्री यहां खत्म। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। यहाँ रिपोर्ट के अनुसार मर्डर मंडे को 3 से 3:30 के बीच में हुआ। इसकी बॉडी पर जहाँ जहाँ निशान है वो देखकर लग रहा है कि 5 बार चाकू से वार किया और 3 नॉर्मल वार, 2 घातक वार। सर, उसकी पैंट भी गीली थी सर। लगता है हमलावर लेफ्ट हैंडेड था। खूनी का चाकू सस्पेक्ट ने उसके गला घोटा। रस्सी या कोई और पतली चीज जो उसने गला दबाने के लिए उसने गला भी दबाया और चाकू भी इस्तेमाल किया। ओहो, मामूली खून नहीं है सर, डबल अटेम्प्ट है। मर्डर वेपन भी क्राइम सीन से गायब है। यस सर। विक्टिम का फोन उसके पास मिला, डेड बॉडी के पास। क्या इस डेटा को अच्छे से चेक किया? सर, वो लैब में जाके चेक करता हूँ। प्लीज चेक। हाँ ठीक है सर। तुम्हें कोई और फोरेंसिक सबूत मिला? ये जो इतिहास का कॉल हिस्ट्री है इसके अंदर मुझे सारे नंबर्स मिले सर। सर, उनमें से प्राइमरी सस्पेक्ट्स को हमने मार्क भी कर लिया सर। पर सर, मर्डर के आधा घंटा पहले एक पब्लिक बूथ से फोन आया था सर। क्या? आज के जमाने में भी वो पब्लिक फोन यूज करता है। वो फोन एक शॉप का है, पर वो शॉप 2-3 हफ्ते से बंद है सर। विक्टिम के बारे में तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या? सर, जैसा मैंने बताया वो बैंक में काम करता था। बैंक? सर, मैं उसके एक कलीग को भी लेके आया हूँ। अंदर लेके आऊँ सर? लेकर आओ। ओके सर। और हाँ, एक चाय बोलना। हाँ ओके सर। सर,
इतिहास को तुम कैसे जानते थे? सर मैं इतिहास को बहुत अच्छे से जानता था। तुम रहते कहाँ? सर यहीं पास में सुरभि नगर में जो बार है उसी के पास। कहाँ काम करते हो? सर मैं बैंक में। आपको कोई लोन चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं जुगाड़ कर दूंगा, मेरी पहचान है। कौन से बैंक में? सुरक्षा बैंक सर। और तुम्हारा ऑफिस किस जगह है? सर वो ऑफिस नहीं है, वो बैंक है। वही पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? सर यहीं पे रेसिडेंसी रोड पे, बेवॉच बार पता है ना, उसी के बगल में। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि तुम इतिहास को कैसे जानते हो? सर मैं इतिहास को बहुत अच्छे से जानता था, पर समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। पता नहीं किसने किया, बहुत अच्छा आदमी था वो, मुझे हमेशा पैसे उधार देता था। ए वो सारा सब कुछ हम देख लेंगे, तेरे को जो पूछा वो बता। सर उसे पैसों से बड़ा प्यार था, पर पैसे से भी ज्यादा लड़कियों से था। क्या मतलब? सर हमारे बैंक में हम जैसे एक काउंटर से दूसरे काउंटर फाइल मूव करते हैं, हाँ। उसी तरह वो हर महीने लड़की बदल लेता था। वो भी एक अलग ही टैलेंट था। सर नंबर प्लीज। या 97 97 36 28 34। सर आपका ऐसा घूरना सही नहीं है। पर तुम तो बहुत मस्त हो। सर आपका कार्ड। थैंक यू। बात बता, सभी लड़कियों को कैसे पटा लेता है? कैसे भाई? मुनि स्वामी, लड़कियों के दिमाग में प्यार फूल की तरह होता है, हाँ। जो कि पौधों में खिलता है। कुछ तो एक दिन में खिल जाता है, कुछ को बस हफ्ते लग जाते हैं, बट कुछ स्ट्रॉन्ग फूल को एक साल भी लग जाता है। ठीक ऐसे ही लड़कियों के दिमाग में प्यार भी खिलता है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि किसी पौधे में कोई फूल है जो खिलना चाहता है। समझ गया। जब मैं क्लाइंट की फाइल लेने गया था उसके पास, वो किसी लड़की के साथ, हाँ। था। सब कुछ सही से संभाल के जाना। ठीक है भाई। बस तभी लास्ट बार मिले थे सर। आखिरी बार इतिहास से कब मिले? सर वो हेलो यार, इतिहास का मर्डर हो गया है। किधर? हे एक बैग ला। तूने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी है। मैंने तुझसे कहा है जो हुआ वो बता, ये एडिटिंग वर्जन मत सुना मुझे। काशी सर इसकी इंक्वायरी करो। ए ढंग से बता क्या हुआ था। आदित्य कोल्हापुर। आदित्य, ओ वो कस्टमर से डाउन पेमेंट का जुगाड़ उसी से करवाता था। ए वो 10 नंबर बिल्डिंग का पेमेंट आया क्या? मैं तो सामने आने से भी डरता था। वो पता नहीं उनसे कैसे डील कर लेता था सर, बहुत बहादुर था। उनके बीच कुछ था क्या?
ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ सर, इतिहास का कॉल डिटेल्स चेक करने में एक लड़की का नंबर मिला है। उनके बीच बहुत बार बात हुई है, मैंने लड़की को भी कॉल किया। आप कहो तो उसे यहाँ बुला ले। लगता है बप्पा की पूजा तुम एक महीने से कर रही हो। ऐसा तो नहीं है, पर क्यों? क्योंकि मुझे तो उन्हीं की फोटो दिखाई देती है तुम्हारी प्रोफाइल पिक में। ठीक है, मैं बाद में चेंज कर दूंगी। तुम अपनी क्यूट सी पिक्चर लगा लो ना। भाड़ में जाओ। तुमने उसे लास्ट बार कब देखा था? तुम्हारे साथ कौन लड़की है? हे, मैंने बस लिफ्ट दिया यार। झूठे, दोबारा मुझे कभी कॉल मत करना। हाँ या ओके ओके फाइन, कल बात करते हैं। सर वही लास्ट टाइम था, उसके बाद मैं उसे कभी नहीं मिली। काशी, वो जो लड़की लॉज में थी, काव्या? नहीं, लाव्या। हाँ, उसका क्या हुआ? सर एक्चुअली जब से महेश सर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी तब से वो लड़की गायब है। महेश सर ने इसको नजरअंदाज कर दिया, फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। सर कहिए, तुम्हारा मैनेजर किधर है? सर वो तो छुट्टी पे है। छुट्टी पे है? यस सर। सर वो अभी छुट्टी पे है। काशी चलो चलते हैं, जहां क्राइम सीन हुआ वहां कुछ मिले। ओके सर। देख लो ना काशी क्या हुआ है। कुछ नहीं, मेरी बीवी है सर, प्रवचन में लेके जाना चाहती है सर। पत्नी कभी पति की नहीं सुनती, पति कभी पत्नी की नहीं सुनता, उसके बाद भी हमारे लोग ये प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। पता नहीं उनकी क्या सुनेंगे, और सुनेंगे भी तो क्या समझेंगे। सर इधर थर्ड फ्लोर पे है। सर ये जो इतिहास के पड़ोसी है ना, उन्होंने भी फ्लैट इतिहास के थ्रू ही लिया था, अगर उन तक पहुंच जाए तो शायद जानकारी मिलेगी। सर आइए सर। काशी तुम बाहर ही रुको। ओके सर। आइए सर। नाइस हाउस, ये तुम्हारा ही घर है? नहीं सर, लोन पे है। बैठो। हमने लोन पे लिया सर। बैंगलोर में लगभग सभी घर लोन पे ही हैं सर। तुम इतिहास को कैसे जानते हो? सर उसी ने हमको ये फ्लैट दिलाया था, लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के पास है। तुम कहाँ काम करते हो? सर मैं ट्विन टावर के पास आईटी कंपनी में काम करता हूँ। सर ये मेरी वाइफ अपेक्षा है। सॉफ्टवेयर जॉब? हाँ हाँ सर, पहले काम करती थी वो, अब वो हाउस वाइफ है। वो पास में ही अनाथ आश्रम गई है।
मतलब तुम इतिहास को पहले से जानते थे? नहीं सर, हम तो फ्लैट लेने समय ब्रोकर के थ्रू मिले थे। मैं यहाँ सब इंतजाम करने के बाद तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय, लव यू। बाय। ये मेरे बॉस इतिहास है। हाय, मैं आदर्श। मैं इतिहास। हाँ मुनुस्वामी, तुमने सब दिखा दिया? सब दिखा दिया। हाँ। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुनुस्वामी ने मुझे बता दिया है। हाँ। मैं बहुत कम रेट में आपको लोन अरेंज करवा दूंगा। बालकनी हाँ। दिखाई तुमने? हाँ। सर आइए। बाहर का व्यू एक्चुअली बहुत ही डेविड ऑफ कुलवाटा। हाँ, एक दोस्त यूएस से आ रहा है, आपके लिए भी मंगवा दूंगा। क्या तुम घर पर ही थे जब ये मर्डर हुआ? नहीं सर, मैं ऑफिस गया था, मेरी वाइफ शॉपिंग गई थी। मर्डर के 2-3 दिन पहले तुमने किसी ऐसे को देखा हो जिसपे तुम्हें डाउट हुआ हो अपार्टमेंट के अंदर? नहीं सर, मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया सर। क्या इतिहास ने तुमसे कभी कोई डिमांड की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ओके, अगर कोई भी जानकारी मिले तो हमें जरूर बताना, याद से। श्योर सर, पक्का। सर, ये यहाँ का सिक्योरिटी है। नमस्ते सर। तुम कहाँ पर थे? सर वो अपार्टमेंट में जब मर्डर हुआ। सर मैंने आपको सब बता दिया। ए, उस दिन दूसरे सर से बात की थी, इनको सब सच बता। सर मैं यहाँ 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता यहाँ से। तुम उस वक्त कहाँ पर थे? मुझे एक लत है, मैं बिल्डिंग के पीछे यही साइड में सिगरेट पीने गया था, बस यही एक लत है सर, छोड़ दूंगा सर। तुमने यहाँ किसी नए इंसान को देखा जो यहाँ ना रहता हो? सर यहाँ सर 2-4 फ्लैट ही भरे हैं, बाकी सब खाली है सर, मैंने यहाँ किसी नए को आते नहीं देखा। इस अपार्टमेंट का ओनर कौन है? सर नरसिम्हा जी हैं, कभी कभार आते जाते हैं। सर उनका नंबर दूं क्या आपको? हाँ दे दे। बता नंबर बता। सर वो खुद ही आ गए हैं। सर नमस्ते सर। ये सब क्या, तुम्हारा सिक्योरिटी हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा है? सर स्टेशन लेके जाके मारेंगे ना तो सब कुछ उगल देगा सर। सर जब से मर्डर हुआ है तब से कोई फ्लैट ही नहीं खरीद रहा सर। तुम्हारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। सर ज्यादातर फ्लैट्स खाली हैं यहाँ, इसीलिए। कितने गैर जिम्मेदार लोग हो तुम, तुम्हें स्टेशन आना होगा जब भी हम बुलाएं। ओके सर। सर एक मिनट जरा। काशी गाड़ी निकालो। ए चल। ए अगली चाल तो चल। ये क्या है सर, लॉज गए तो वहां मैनेजर नहीं मिला और यहाँ गुनेगार नहीं मिला। करेक्ट, खून होने से पहले उसे एक लैंडलाइन से कॉल आया था, क्या हुआ उसका? सर वो दुकान 2-3 हफ्ते से बंद है सर। चलो हम चल के चेक करते हैं। ओके सर। सुनो। बोलिए। क्राइम ब्रांच से हैं हम लोग। हाँ बोलिए ना सर। ये सीसीटीवी की फुटेज देखनी है हमको। हाँ सर अभी लाता हूँ। ऑलरेडी बहुत मार खाया तू। मैंने अगर मारा तो इतनी बुरी तरह लगेगा कि तू ये शहर ही छोड़कर भाग जाएगा। बॉस क्या गलती की मैंने? मैंने तो आपका काम किया है। अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल मत कर। ये कल भी आए थे, मैंने कल मना कर दिया तो भी आज वापस आ गए। ठीक है बुलाओ उन्हें। मुझे मर्डर के बारे में बात करनी है।
कैसा मर्डर? ए तू चुप। इतिहास के मर्डर के बारे में कैसे जानते थे तुम लोगों से? ऐसी क्या डील थी तुम लोगों के बीच में? डील नहीं, बिजनेस। उसी की बात कर रहा हूं। इतिहास मेरे लिए क्लाइंट लाता था और मैं लोन का जुगाड़ करता था अच्छे इंटरेस्ट के साथ। अगर वो बाहर निकल जाता तो? जब बिजनेस होता है ना तो प्रॉफिट भी होता है। नहीं, नहीं। दे देता था कुछ कमीशन उसे। कितना? 16% इंटरेस्ट के लिए 4% कमीशन देता था। ये तो मस्त कमीशन था, पर इतिहास को इससे प्रॉब्लम क्या थी? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, वो भी आपके मुंह से। जब मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैं जरा पर्सनल काम से बाहर गया था। क्या तुमने इतिहास को कॉल किया था उस दिन? नहीं किया था। सर वही मार्क लगा है सर। उस दिन तुमने इतिहास को दोपहर में 2 बजे कॉल किया था, ये हमारे रिकॉर्ड में है। हाँ याद आया, वो बोल रहा था कि हमें इंटरेस्ट अमाउंट मिलने वाला है, मैंने शायद उसी के लिए कॉल किया था। इतिहास से लास्ट बार मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी? भाई आप इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्या करते हो? अरे ये इलीगल प्रॉपर्टी है, कोई कुछ करना नहीं, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। ये मुन्ने स्वामी यहाँ क्या कर रहा है? वो भाई इसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक ठाक ही चल रहा है, पर ये 50,000 लोन उधार मांग रहा था तो मैं इसे यहाँ ले आया। यस भाई। तुम लोग हर बार यही करते हो। भाई इस बार कुछ अर्जेंट है। इतिहास जब हाँ तुम डील क्लोज कर रहे हो कोई तो उसमें से थोड़ा इसको क्यों नहीं दे देते हो? ठीक है भाई। आपका धन्यवाद भाई, वो थोड़ा गला खराब है। अबे सुट्टा पीना कम कर। तभी उसे आखिरी बार देखा था मैंने। तुम किसी को मार के उसे कवर करने में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन याद रहे खूनी को उठा के जेल में पटक कर वहां की रोटी खिलवाना मेरा ट्रेडमार्क है। बॉस आपका तो कितना बड़ा रुतबा है, आप इस विजय का कुछ करते क्यों नहीं? वैसे गाड़ी का मीटर भी तो 18,200 बोल के 220 किलोमीटर स्पीड दिखाता है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस स्पीड में चलते हैं। हमारी बॉडी भी उस स्पीड को नहीं झेल पाती है। करने दो उसे, उसे उसका काम। सक्सेस बुक पढ़ के सक्सेस नहीं आ जाती, वैसे ही जो कोई केस लेता है उसकी मैं लेता हूं। ये क्या है काशी, बियर के साथ पानी? सर ये डिहाइड्रेट करेगी और ये हाइड्रेट करेगी सर। सर चीयर्स। सर हाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास को उसी नहीं मारा है सर। किसने? वो सर मुन्नी स्वामी, मुझे लगता है उसी ने मर्डर किया है सर। ऐसा क्यों? सर आपने तो देखा था ना वो कैसे बात कर रहा था।
जब कोई डरा होता है तो ऐसे ही बात करता है। उसे लड़कियां और भी ज्यादा पसंद थी। वह हर 3 महीने में लड़कियां बदलता था। काशी सुन, इतिहास की पिछले 2-3 साल की कॉल डिटेल्स निकाल के ला। ओके सर, लेके आता हूँ सर। बस करना, अब रहने दे। सर मैं समझा नहीं सर। अबे तुझसे मैं ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। ओह ये कुछ नहीं है सर। अभी अपनी बीवी को एक कॉल करूंगा ना, सारा नशा उतार देगी। अबे करता हूँ। सबसे पहले पता करो लाव्या को क्या हुआ। ओके सर, ढूंढता हूँ सर। अब चलते हैं सर। मैं फिर से आऊंगा। हाँ ओके सर। लाव्या का घर यही है क्या? हाँ सर यही है। क्या लाव्या घर में है? नहीं सर, वो तो बैंगलोर गई हुई है। तुम कौन हो? मैं तो बीना हूँ। हाँ, लाव्या की कजन हूँ। वो बैंगलोर में किसके साथ है? उसने जब कॉल किया था तो कहा था इतिहास के साथ है। अब मैं तुमको कैसे बताऊँ, इतिहास का मर्डर हो गया है। ये क्या बोल रहे हैं सर? मुझे सच सच बताओ। इतिहास से वो मिलने जा रही है, क्या उसने तुम्हें बताया था? यस सर, मेरे सामने ही कॉल पे बात हुई थी। हेलो। हेलो लव्या, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं ना तुम्हें बहुत जल्दी बैंगलोर बुलाऊंगा। हाँ, सारे इंतजाम करने के बाद तुम्हें जल्द बुलाता हूँ। ठीक है, बाय लव्या। बाय। वो मिलेगा मेरे से? ये तो बहुत अच्छी बात है। सर उसने मुझे कहा था कि हमारे गांव में एक आदमी है जो उसे बहुत तंग कर रहा था। इतिहास और उस आदमी की लड़ाई भी हुई थी लाव्या के लिए। ए, तू लड़की के साथ नैन मटक्का कर रहा है? ए, चल, चल भाग यहाँ से। इतिहास, जाने दो उसे, तुम इधर आओ। मैं तुझे पक्का मार दूंगा। प्लीज। वो आदमी भी उसी लॉज में काम करता था जिधर लाव्या रुकी थी, और वहाँ फिर उनकी लड़ाई हुई थी सर। उस आदमी का नाम क्या था? प्रदीप नाम था। ठीक है बेटा, अगर लाव्या टच में आती है या कॉल करे तो हमें जरूर बताना। मेरा नंबर ले लो। ओके सर, दीजिए सर। 9887। नमस्कार भाई। हाँ बैठो गाड़ी में। बोलिए ना भाई। जो काम दिया था उसका क्या हुआ, कुछ मिला तुझे? भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस फोन को अनलॉक करने में कितनी देर लगेंगी? और भाई आपको पता है विदाउट फिंगरप्रिंट के कितना मुश्किल होता है खोलना। ठीक है ठीक है, फोन अनलॉक होते ही मुझे खबर करना। ठीक है भाई, जरूर। चल अब जा। जी भाई। नमस्ते सर। यहाँ पे कोई प्रदीप नाम का लड़का काम करता था, कहाँ है वो? सर उसको तो काम से निकाल दिया। क्यों? वो कस्टमर को बहुत तंग कर रहा था। कौन सा कस्टमर्स? हमारे रेगुलर कस्टमर्स को। हाँ तो कौन है वो? उनका नाम इतिहास है। इतिहास? यस सर, इतिहास हमारे लॉज में रेगुलरली आता था। फिर क्या हुआ मुझे बताओ। प्रदीप को छोड़ो, प्रदीप इतिहास को छोड़ो, इतिहास इस साइड आओ, प्लीज रुक जाओ, धोलो, चलो इधर, छोड़ो, छोड़ूंगा नहीं तुझे, चलो, छोड़ूंगा तुझे। बस यही रीजन था सर उसे नौकरी से निकालने का। मुझे सुदीप का नंबर दो जरा। सुदीप? ये सुदीप कौन है सर? वही जो लड़ रहा था, उसका नंबर दो।
सुदीप नहीं सर, प्रदीप है। अरे हाँ वही नंबर दे। देता हूँ सर, लिखिए। हाँ। बोलो। 99। सर ये वो कॉल लिस्ट है जो आपने मांगा था। माँ किए हुए नंबर्स को कॉल करो। ओके सर। कोई भी फोन नहीं रिसीव कर रहा सर। एक काम करो। हाँ। उस नंबर का एड्रेस निकालो और फिर डायरेक्ट जाके इंक्वायरी करो। हाँ ठीक है सर, मैं करता हूँ सर। ए, उठ बे, ए उठे। किसी को मारने के बाद मस्त यहाँ पे सो रहा है तू? चलो। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा है। अभी तेरे को स्टेशन लेके जाके धोएंगे ना तो सब उगल देगा। चलो। नहीं मुझे कुछ नहीं पता। इतिहास को तूने क्यों मारा? लड़की कहाँ है? सर मैं उसे क्यों मारूंगा? तूने लॉज में उसको जान से मारने के लिए कहा था। चल चुपचाप उठ, बहुत हो गया तेरा अभी। चल चल। नहीं सर, अबे सर, चल, सर, चल, सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ए, चल बता तूने आखिर इतिहास को क्यों मारा? सर मैंने इतिहास को नहीं मारा सर। तूने उसे क्यों मारा बोल दे। सर मैंने उसे नहीं मारा सर। बोलता है कि नहीं? सर मैंने इतिहास को ना लास्ट टाइम तब देखा था जब वो हाँ कौन बोल रहा है? किसका नंबर है सर ये? ठीक है सर, आप अपॉइंटमेंट के पास आइए, मैं आता हूँ। मैं दुकान के पास बैठा था और वो भी वहीं था सर। मैं उसे हर हाल में मारना चाहता था इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वो अपार्टमेंट के अंदर चला गया सर। बाद में मैंने उसका वहां पे बहुत देर तक इंतजार किया मगर वो आया ही नहीं। बाद में मैं वापस चला गया सर। यही हुआ था उस दिन सर। मैंने उसे नहीं मारा, प्लीज भरोसा कीजिए सर। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता इसे यहीं पर रखो। ओके सर। विजय केस पे कोई अपडेट्स? यस सर। ये शायद ओपन एंड शट केस है सर। वैसे देखने में तो ओपन एंड शट केस ही लगता है पर जब हमने एक के बाद एक छानबीन करने में लगे तो हमें पता चला कि मकसद कुछ और है। सर मुझे लगता है कि कोई जाति दुश्मनी का मामला है। सर जैसे ही पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूं। ओके। मैडम बोलिए सर। ये 8722307437 नंबर आपका है क्या? हाँ जी सर। मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ मैडम, आप उठा क्यों नहीं रही हो? सर मोबाइल बच्चे के पास था, देखा नहीं। ठीक है। ये इतिहास को आप जानते हो क्या? कौन सर? अरे मैडम इतिहास जो बैंक में काम करता है उसने इस नंबर पे बहुत कॉल किए हैं और आप कहते हो कि आप उसे जानते नहीं हो। सर ये नंबर मेरा नया है, अभी यूज किया। अभी लिया है? हाँ। सॉरी मैडम। ओके कोई बात नहीं। सर नमस्कार सर, उस औरत ने तो अभी अभी वो नंबर यूज करना स्टार्ट किया है सर। एक काम करो मैं तुम्हें उस नंबर की डिटेल्स मैसेज करता हूँ। ओके सर ठीक है सर।
सर दर्द हो गया है साला। पता नहीं कितनी लड़कियों से मिलना पड़ेगा। और हाँ मैडम, अश्वनी आप ही हो क्या? नहीं सर, मैं सुमा हूँ। सुमा हो क्या? ये एड्रेस देखिए। देखिए सर, एड्रेस तो एकदम सही है, पर यहाँ कोई अश्वनी नहीं रहती है। आपको सिम कार्ड इस एड्रेस को यूज करने पे मिला है मैडम? पता नहीं, ओनर ऊपर ही रहते, आप उनसे ही पूछ लीजिए। ठीक है मैडम। रजिस्ट्रेशन का काम है मेरा, मैं कल आऊंगा या परसों। ओके ओके ओके। कौन है आप? सर मैं इंस्पेक्टर काशी हूँ, क्राइम ब्रांच से। यहाँ पर कोई अश्विनी रहती है क्या? यहाँ अश्विनी नाम का कोई नहीं रहता। नीचे जो लड़की रहती है रेंट पे, क्या पता वो भी वैसी हो। ऐसा कोई नहीं है सर। ऐसा क्या? हाँ अजी सुनते हो, गैस पे दूध रखा है, अगर आज वो फिर गिर गया ना तो मैं आज आपको गिरा दूंगी। हाँ, खुद देख लो अपनी तीसरी आँख से। हाँ सर, यहाँ पहले लड़की थी। तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है क्या? हमारे पास क्यों होगी। सर आपने फोटो एड्रेस प्रूफ के लिए ली थी जब रेंट पे दिया था तब। मैं पूरा घर देख के बताता हूँ सर आपको। हाँ ठीक है, आप मेरा नंबर लीजिए। हाँ लिखिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। मैंने आदर्श के ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज चेक की, वो उस टाइम अपने ऑफिस में नहीं था सर, क्लाइंट की लोकेशन पे था। मैं वहीं पर जा रहा हूँ, सब चेक करके मैं आपको बताता हूँ सर। ओके सर। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में तैयार रखना। तैयार रखना, ओके ओके, ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ मिल गया, बस आ रहा हूँ। ये रही वो लड़की। हाँ ओह, तो ये है। हेलो सर, मुझे एक आईडी प्रूफ मिला है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। ओके हाँ, भेज दीजिए भेज दीजिए। ओके। पूरी दुनिया व्हाट्सएप की दीवानी है। ये क्या है? ये सूरज की रोशनी से बचने के लिए इस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि गर्मी से ग्लास न टूट जाए सर। सर अश्विनी के पुराने ओनर ने फोटो भेजी है, देखिए। सर इस लड़की को तो मैंने कहीं पे देखा है सर। ये लड़की तो शायद आदर्श की वाइफ है। हाँ करेक्ट सर, हमने इसे उस फोटो में भी देखा था। लेकर आओ इसे। नाम क्या तुम्हारा? अपेक्षा सर। क्या तुम्हारा कोई और नाम भी है? नहीं सर, सिर्फ अपेक्षा। बस इतना ही? सर ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए है, बाकी घर में भी सब अपेक्षा ही बुलाते हैं। वैसे तुम इतिहास को जानती हो ना? हाँ सर जानती हूँ, उसी ने हमको लोन दिलवाया था। बस इतना ही या कुछ और भी है? जैसे कि ए काशी। यस सर। इसके पुराने लैंडलॉर्ड को कॉल करो, अब वो ही है जो इन सब की डिटेल्स दे सकता है। ओके सर। सर वो Thank you.
और फिर क्या हुआ? हाँ, यहाँ देखो, हम दोनों की जोड़ी सुपरहिट है। अगर तुम ऐसे ही सुट्टा पीते रहे तो कल उसके पैक में तुम्हारी फोटो लगेगी। एक बात बताओ, वो कौन बंदा था जिसको तुम बाइक पे गले लग रही थी और किस कर रही थी? कब और कहाँ पर? बस हो गया अपेक्षा, चुपचाप बताओ कौन है वो लड़का? वो एक्चुअली वो मेरा कजिन था। ओ, पक्का? अच्छा, वो तुम्हारा कजिन था? बुलशिट इतिहास। अच्छा, आदर्श को पता है सबके बारे में? नहीं सर। तुम वापस इतिहास के कांटेक्ट में कब आई? जब हम लोग फ्लैट्स देख रहे थे तो ब्रोकर के थ्रू उसका कांटेक्ट मिला था। वो घर भी आया था एक दो बार। ओके बाय। ये मेरी वाइफ है अपेक्षा। हाय इतिहास। अपेक्षा, बस यही हुआ था सर। मतलब तुमने आदर्श से इन सब के बारे में बात नहीं की? नहीं सर। सॉरी सर, आपका दिया फोन अनलॉक नहीं कर पाया। क्या मैं इसको अपने साथ वापस ले जा सकता हूँ? श्योर सर, पर आपको इसको चार्ज करके रखना पड़ेगा। अगर ये एक बार स्विच ऑफ हो गया तो पासवर्ड से ही खुलेगा फिर सर। सर, इस फोन को हम अब अनलॉक कैसे करेंगे? पता नहीं लोग आईफोन कैसे यूज करते हैं। तुम इतिहास को कैसे जानती हो? सर, इतिहास कॉलेज में मेरा सीनियर था। हम लोग अक्सर गांव में मिलते थे। फिर इतिहास बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। जब वो वीकेंड्स में गांव आता था तो हम मिलते थे। पर पिछले हफ्ते इतिहास ने मुझे बैंगलोर आने के लिए बोला। उसके बाद मैं बैंगलोर आके उसका इंतजार कर रही थी। हे, मैंने बस लिफ्ट दी है यार। हाँ या यार, ओके ओके फाइन, कल बात करते हैं। ओके बाय बाय। ओके हाय सर, कैसे हो? मस्त। मिलते हैं बाद में। वन, टू, हाँ थ्री। अंधेरे से डर तो नहीं लगता ना? हाँ। आओ। अरे आओ ना। कितने टाइम बाद देखा है तुम्हें?
शिट, अरे शिट यार। हेलो। हेलो बॉस। मैंने बोला था ना कल कॉल करूंगा तुझे, कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ ठीक है बोल। पहले आप बताओ आप किधर हो? कम से कम बता तो काम क्या है। क्लाइंट रेडी है बॉस, डाउन पेमेंट अरेंज करवा दीजिए, हमें अच्छा कमीशन मिलेगा। क्या मैं डॉक्यूमेंट रेडी करवा दूं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल कॉल करता हूँ तुझे। बॉस बॉस बॉस, 1000 माइल की शुरुआत एक सिंगल स्टेप से होती है। मुझे इस नेचर की तारीफ करनी होगी तो उसकी शुरुआत तो तुम्हारे इन प्यारे होठों से करनी होगी। अरे पहले जाकर तुम फ्रेश हो जाओ। और उसके बाद? अरे जाओ तुम जाओ। ऐसा ही एक हफ्ता चलता रहा सर। जब तुम इतिहास के साथ थी कोई और भी आया था क्या फ्लैट में? कोई वहां पे फाइल लेने आया था सर। हेलो। हेलो, क्या आप पैसे देने जा रहे हैं? हाँ हाँ मैं निकल रहा हूँ। मैं कहाँ आके मिलूँ आपसे? मेरे रूम के पास आओ, साथ में जाएंगे दोनों। हाँ ठीक है बॉस। ओके हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। वापस कब तक आओगे? बहुत जल्दी। ओके okay, ध्यान रखना, बाय। बस वो लास्ट था जब मैंने उसे देखा। तो तुम फिर लॉज से कैसे निकली? सर इतिहास के जाने के बहुत देर बाद मैंने उसे बहुत कॉल किया मगर लगा नहीं उसे। मैंने बहुत ट्राई किया उसे। और फिर वहाँ रूम पे दो लोग आए, वो कुछ ढूंढ रहे थे। जब तक मुझे समझ आता क्या हो रहा है, उन्होंने मेरे आंखों बंद कर दी, मुझे कहीं ले गए पता नहीं कहाँ। पर वो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ उन्होंने मुझे रखा था। आज मैं वहाँ से भाग गई और इतिहास को कॉल कर रही थी। बताइए सर, इतिहास को क्या हुआ? ये इतिहास का फोन है। आपके पास उसका मोबाइल क्यों है? क्या तुम इसे अनलॉक कर सकती हो? सर ये लड़की कैसे खोल सकती है ये फोन? मैं बताऊंगा तुम्हें इतिहास को क्या हुआ। इतिहास का मर्डर हो गया। क्या? नहीं नहीं, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है वो इतिहास ठीक है। सर सर ये फोन कैसे अनलॉक हो गया? सर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ को तुम्हारा पासवर्ड पता है? अब वो ये क्या है सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकर आओ इसे। सर आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? मेरा इस मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है, आप सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चीचे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। आपने देख लिया ना, तो क्या अब मैं जाऊं? अब जाने से पहले इस वीडियो को तो देखते जाओ। सर तो अब तुम बताओगे ये सब कैसे हुआ?
इतिहास ने मुझे 10 लाख के लोन अरेंज करवाया था आदित्य कोल्हापुर से, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे था। शुरुआत में तो मैं पेमेंट टाइम पे दे रहा था। शुरुआत में तो पेमेंट टाइम पर दे रहा था, इंटरेस्ट का ख्याल तुम रखो। भाई वो आ गया, वो देखिए। पिछले का इंटरेस्ट किधर है? सर मैं 2 महीने का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अगर तू इंटरेस्ट टाइम पे नहीं देगा तो अगली बार से मेरे लड़के तेरे घर आके वसूल करेंगे। नहीं सर, मैं टाइम पे दिया करूंगा। चल जा। ठीक है सर, पर मैं फिर कुछ महीने बाद उसे नहीं दे पाया तो आदित्य कोल्हापुर के लड़के मुझे उठा कर ले आए। भाई भाई प्लीज मत मारो, मैं पेमेंट कर दूंगा जल्दी, आगे महीने पक्का। प्लीज मत मारो, मत मारो प्लीज। हे आदर्श, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? और फिर कुछ दिनों बाद हाय अपेक्षा। हाय। भाई भाई सुनिए भाई, मुझे और भी जगह बहुत पेमेंट करना है, नेक्स्ट मंथ पक्का कर दूंगा। मेरे ऊपर बहुत सारे लोन हैं, इसलिए आपको मैं नहीं दे पाया। भाई प्लीज थोड़ा और टाइम मुझे दे दो भाई, मैं पक्का आपको दे दूंगा। आदर्श। हाँ। ये क्या हो रहा है आदर्श? आदर्श सर, जो भी आपको पूछना है जल्दी जल्दी पूछिए, मुझे और भी जरूरी काम होते हैं सर। ये इतिहास का मोबाइल है, तुम्हें पता था कि उसे पता चल चुका है इस बारे में, इसलिए तुमने उसे मार दिया। आदित्य कोल्हापुर से पैसे लूंगा, सर वो इतिहास के लोगों ने मुझे ये वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया था सर।
ये वीडियो आदित्य कोल्हापुर को दिखाकर उससे पैसे लूंगा, समझ में आया ना तुझे? हेलो जी भाई। कहाँ हो? मैं मिंचू अपार्टमेंट में हूँ। वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई। हेलो भाई, इतिहास का मर्डर हो गया भाई। कब हुआ? सर मैं उसे मारने ही जा रहा था, मगर किसी और ने पहले ही मार दिया, तो मैंने अपना रास्ता भी बदल दिया। तुमने ही इतिहास को मारा है, और वहां से भागते हुए अपनी अंगूठी वहां भूल गए। सर ये रिंग गुम हुए बहुत टाइम हो चुका है सर। हे काशी सर, उसके पास जितनी कैब की डिटेल्स हैं उससे वो ले और वापस भेज दे। सर पता कैसे चलेगा सर? बुकिंग डिटेल्स लो यार, पता चल जाए। हाँ सर, अभी 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 करता हूँ सर, अभी करता हूँ। तू ही है कैब ड्राइवर? हाँ सर। तूने इसे देखा है? नहीं सर। बिना देखे तूने इसे ड्रॉप कैसे कर दिया? सर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। अच्छे से देख और फिर बता। हाँ सर, अभी मुझे याद आया। वैसे तो ये आदमी मेरी कैब में ही बैठा था, और हाँ उसके साथ में कोई 3 अंधे बच्चे भी थे सर। अंधे बच्चे? हाँ सर। पहले तो ये आदमी मुझे बड़ी अजीब तरह से देख रहा था, पता नहीं वो ऐसे क्यों देख रहा था मुझे। पहले ये वाला आदमी कैब से उतरा, उसके बाद कोई औरत ने कैब से अंधे बच्चों को उतारा। औरत? हाँ सर। सर मैंने कैब ड्राइवर से बात की सर, उसने आदित्य कोल्हापुर को पहचान लिया सर, और तो और उसकी कैब के अंदर कुछ अंधे बच्चे भी बैठे हुए थे सर। हाँ, आदित्य के उतरने के बाद कोई लेडी ने उन बच्चों को उतारा था सर। एक लेडी? हाँ सर, वही सर। उसका स्टेटमेंट ले लो। ओके सर। सर इसका स्टेटमेंट लेके इसे वापस भेज देता हूँ सर, बाद में बुला लूंगा। स्वामी कॉलेज, आदित्य कोल्हापुर बिजनेस पार्टनर, लाव्या लवर है, अपेक्षा एक्स लवर, आदर्श कस्टमर है, लवर मिसिंग थी, अपेक्षा बेगुनाह है, आदर्श ट्रैप्ड है। कोई आदित्य कोल्हापुर को ब्लैकमेल करता है, लाव्या मिसिंग, मतलब आदित्य कोल्हापुर ही किडनैपर है। तुमने फॉरेंसिक एविडेंस से क्यों छेड़छाड़ की, वो फिंगर रिंग से? सर ऐसा नहीं है, केस को डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर वहां पर रिंग छोड़ी गई थी, और उस एविडेंस से हमें अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला सर। ओके। सर आप प्लीज पता करिए कि किसने ब्लैकमेल किया था, मैं तो बहुत टॉर्चर हो गया हूँ सर उससे। टॉर्चर? उन्हें लाविया को टॉर्चर क्यों किया? सर हेलो जी भाई, बताओ तुम कहाँ हो? मैं मिंचू अपार्टमेंट में हूँ। वही रहना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई। ए इधर आओ, सुनो मेरी बात, इतिहास ने रूम में पैसे रखे हैं, जाके वो ले आओ। फोन करके पूछ लूँ क्या कि किधर रखा है? तू खुद नहीं ढूंढ लेगा, जाकर जाना। ठीक है भाई। हेलो भाई, इतिहास का मर्डर हो गया भाई। कब हुआ?
लड्डू लोग, इसको क्यों लेकर आ गए तुम लोग? भाई पूरे होटल में छान मारा लेकिन पैसा कहीं भी नहीं मिला, तो इसके लिए इसको उठा के लेके आ गए हम लोग। अबे तुम लोगों का क्या करूं मैं? अब तुम्हारी बेवकूफी का। पहले जाकर उसे हफ्ते भर के लिए कहीं छुपाओ, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने किया है। नाइस, वेरी नाइस। तू कहीं पकड़ा ना जाए इसलिए तूने लड़की को किडनैप कर लिया। ये इसके साथ क्या कर रही है? सर, इन लोगों ने मिलके ब्लैकमेल किया है सर। जाओ मुनि स्वामी को उठाकर लेके आओ। ये बैग देखने के बाद तो कुछ याद आया होगा। सर प्लीज सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। एक आशी सर, अभी तुम बताओगी या हम तुम्हें कुछ दिखाएं? सर मुझे पैसों की बहुत तंगी थी, मैं इकलौती काम करने वाली हूँ, एक भाई है पर वो किसी काम के लायक नहीं। सर जब भी मेरी ड्यूटी कैश काउंटर में लगती है तो मैं थोड़ी हेरा फेरी करके ग्रोसरी का सामान घर ले जाती हूँ, बस यही सर। ए लड़की, हमने तुम्हें यहाँ चिंदी बातों के लिए नहीं बुलाया है, ये बताओ कि तुम मुनि स्वामी से क्या बात कर रही थी? सर मैं बस पूछ रही थी उसने मेरा नंबर पुलिस को क्यों दिया। सर सर मुन्नी स्वामी, सर आदित्य कोल्हापुर का डील का अमाउंट हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया था सर। हाय सर, सर अमाउंट। थैंक यू सर। मुनुस्वामी, लाविया ने मैसेज किया है मुझे, अभी मुझे लॉज जाना पड़ेगा। बॉस पैसों के लिए पूछेंगे तो? अरे पैसे दे देंगे उन्हें कल तक। बॉस फिर मेरा पैसा? कल मेरे रूम पे आके ले लेना। हाँ बोल। क्लाइंट ने कॉल किया था। कौन सा क्लाइंट? जिससे अभी पैसे लिए थे उसने। हाँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा था। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं उसके। आप कहाँ हैं? लॉज में हूँ, रूम पे आ जा। ओके अभी आया। चल। बस डॉक्यूमेंट्स। हाँ सब कुछ सही से संभाल के जाना। ठीक है। हेलो स्वामी जी। कहिए भाई। तुम
तुमने पैसे कलेक्ट किए कि नहीं? हाँ भाई, कर लिया कलेक्ट। इतिहास ने उसे लॉज में रखा है। ये इतिहास कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे पता नहीं है भाई। ओह, मुझे इतिहास से घर पैसे लेने जाना है। हेलो स्वामी, मुझे कुछ काम है तुमसे, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। ठीक है भाई, ये बहुत जरूरी है, पैसे मत भूलना। हाँ पक्का, पैसे घर में, हम लोग शाम को दे देंगे। ठीक है भाई। यार इतिहास का मर्डर हो गया है। ये क्या बोल रहा है तू? हे, एक पैक ले गया। पैसे घर में ही हैं। पैसे घर में ही हैं। हे, ऑर्डर कैंसिल कर दे। यही हुआ था सर। चल सर। चल इधर चल। सर किस किस के ऊपर शक करें सर? इनमें से किसी पे भी शक करने का चांस ही नहीं है और सबूत भी नहीं है। आपको किस पे शक है सर? इस समय केस में किसी पर भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल है काशी। मुझे केस में इन सब पर शक हो रहा है। पर सर ये आदमी बहुत स्मार्ट है। सुनो काशी, अभी ऐसा है, उसने कोई ना कोई तो गलती जरूर की होगी। वो हमारे लिए इजी कर देगा सब। हाँ सर, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ वो क्लू ढूंढने की, पर मिल ही नहीं रहा है सर। इतिहास के लोग मुझे इस वीडियो से ब्लैकमेल कर रहे थे सर। तुम इतिहास के साथ दोबारा कांटेक्ट में कब आए? जब हम अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे तो उसकी डिटेल्स हमें ब्रोकर ने ही दी थी। वो एक दो बार घर भी आया था। उस दिन कुछ अंधे बच्चे उस कैब के अंदर ही थे सर। आदित्य कोल्हापुर के उतरने के बाद कोई लेडी उनको पिक करने के लिए आई थी सर। सर मेरी वाइफ अपेक्षा। सॉफ्टवेयर जॉब? हाँ सर, वो पहले करती थी पर अब हाउसवाइफ है। अभी वो अनाथ आश्रम गई है। देखो हमें भी बार बार तुम्हें बुलाना ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमें सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर मैंने सब कुछ बता तो दिया था, मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा। जब मैं तुम्हारे घर गया तो मैंने तुम्हारी फोटोज अंधे बच्चों के साथ देखी। तुम उन बच्चों का इस्तेमाल आदित्य कोल्हापुर को ब्लैकमेल करने में और उससे पैसे निकालने में इस्तेमाल करती थी। हमने इंक्वायरी में सब कुछ पता कर लिया है। सो, तुमने उन पैसों का क्या किया? आगे और वो वीडियो किसने रिकॉर्ड किया?
सर, मेरी जिंदगी एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट थी, पर बिन बुलाए ये दो प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उनमें से एक तो भले ही हम दोनों इतने सालों बाद मिले हों, यकीन नहीं होता तुम मैं आज भी अकबर करार है। तुम्हें पता है हमारा प्यार इस समाज के परे है। नहीं तुम जाओ। अच्छा इधर आओ। बाय। गॉड, हाँ तुम? हाय अपेक्षा। मैंने तुम्हें कितनी व्हाट्सएप कॉल की, रिप्लाई नहीं किया तुमने। बिजी हो क्या? तुम मेरी सिचुएशन क्यों नहीं समझते हो? मैं ये सब और नहीं कर सकती हूँ। अपेक्षा, हम लोग जन्म जन्म वाले लवर्स हैं, फाइनली हम फिर से साथ हैं। अपेक्षा नहीं। अपेक्षा देखो, हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। यस, लेकिन गलत रास्ते पर। लुक, मुझे किसी और के प्यार से कंपेयर मत करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। मैं वही कर रही हूँ। ओके ठीक है, कम से कम हम इससे एक हैप्पी एंडिंग तो कर सकते हैं ना? तुम्हें अंदाजा भी है क्या बोल रहे हो? बस निकलो यहाँ से। अपेक्षा। ओह माय गॉड, ये आदर्श है, मुझे लगता है ये आदर्श है। अब क्या करें? क्या करना है? पक्का आदर्श ही है। ओह माय गॉड, तुम्हें छुपना होगा। क्या करूं? बैकडोर से एग्जिट कर लो। ओह गॉड, आई होप कि आदर्श ना हो, प्लीज। हाय अपेक्षा। हाय। मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, प्लीज जाने दो, अभी कर दूंगा। चले उधर, आज लेता हूं तेरी। मुझे जाने दीजिए। ये वीडियो आदित्य कोल्हापुर को दिखाऊंगा तो बहुत पैसा मिलेगा मुझे उससे, पर मुझे तो बस तुम चाहिए। पैसा नहीं, मेरे लिए पैसे से बड़ी तुम हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली प्रॉब्लम थी आदर्श के पैसे, मैंने खुद आदित्य कोल्हापुर से वो लेने का सोचा। Thank you.
और मैंने फिर आदित्य कोल्हापुर को बोला कि इतिहास ने उसे ब्लैकमेल किया है। बाद में मुझे लगा कि उसी ने उसे मार दिया। तो इतिहास ने तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुमने आदित्य कोल्हापुर को ब्लैकमेल किया, राइट? मगर सर, आपने सबको क्यों बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए और फिर वापस भेज दिया? मैं समझा नहीं सर। देखो काशी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जिन्होंने क्राइम नहीं किया वो शांत रहेंगे, और जिन्होंने किया है वो फिर कोई ना कोई गलती जरूर करेंगे, और मैं उसी गलती का इंतजार कर रहा हूं। क्या दिमाग लगाया है सर। क्या वो वीडियो सच है? यस सर, मुझे लगता है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है इस केस का। पर विजय, ध्यान देना कि ये वीडियो लीक ना हो, वरना ये केस कोई और भी मोड़ ले लेगा। सर आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, इस केस की हर एक चीज, सारे सस्पेक्ट और एविडेंस मेरे कंट्रोल में है, तो मैं ख्याल रखूंगा हर चीज का। मुझे लगता है इस केस को इंसाफ मिलेगा। जरूर सर। ओके विजय। ए, तुमने शर्ट क्यों बदली अपनी? अरे सर, चाय गिर गई सर, इसलिए चेंज करना पड़ा। सर सर सर, क्या हुआ सर? सर सर सर, क्या हुआ सर? देखो, जब ये आया है तो उसने दूसरी पैंट पहनी है, वापस जाते टाइम पैंट बदल गई, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये डायलॉग बाजी बंद। क्या हुआ सर? इतिहास को तुमने मारा और इल्जाम आदित्य कोल्हापुर पे लगा के अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहते थे। इतिहास ने तुम्हें फ्लैट दिलाने में हर एक हेल्प करी तुम्हारी, और तुमने उसके साथ ये किया। मैं फ्लैट दिलवा के जिंदगी बर्बाद कर दी। अपेक्षा, इतिहास था क्या? जब भी मैं अपनी बीबी के करीब जाता था तो मुझे इतिहास के परफ्यूम की स्मेल आती थी। बताओ, आज का दिन कैसा था? अच्छा,
उसने मुझे आदित्य कोल्हापुर से लोन दिलवाया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हेलो हेलो इतिहास, मैं आदर्श बोल रहा हूँ। सर ये किसका नंबर है? मेरे फोन में प्रॉब्लम आ गई है इसलिए मैं इससे बात कर रहा हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे अपने एक दोस्त को फ्लैट दिलवाना है। ठीक है सर, आप आइए अपार्टमेंट के पास। बस मेरे साथ चीटिंग करेगा, मर साले कमीने, मर साले कमीने। मर्डर वेपन क्या क्या किया तुमने? कौन सा वेपन सर? वो हथियार जो तूने उसे मारने में यूज किया था। सर मैंने कोई हथियार यूज नहीं किया, मैंने उसे गला घोंट कर मारा। इतिहास का मर्डर हो गया है। यह कैसे हो गया? मेरी जिंदगी एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट थी, पर बिन बुलाए ये दो प्रॉब्लम शुरू हो गई और मैंने फिर आदित्य कोल्हापुर को बोला कि इतिहास ने उसे ब्लैकमेल किया है। काशी गाड़ी तैयार कर। Ah!
सर मैं महेश बोल रहा हूं। सर मैं उसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं सर। प्लीज मेरा सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल करवा दीजिए सर। ओके सर। श्योर सर। जय हिंद सर।